स्वागत है आपका हमारा हिमाचल में। रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। 11 बजे सदन की शुरुआत जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, लेकिन सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई की कार्रवाई से नाराज है और इसी को लेकर सदन में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट भी किया। विधानसभा मॉनसून सत्र हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है। हर नेता को तबाह करने के लिए उसके पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां डाली जा रही हैं और हमारे पूर्व वित्त मंत्री वो कहीं भागने वाले नहीं है। वो जो है केस में आईएनएक्स केस जो है मीडिया घराने का, उसमें उन्होंने हमेशा कॉपरेट किया है। पिछले 15-16 महीने से उनको जितनी बार भी एजेंसियों ने बुलाया उतनी बार वो गए हैं। उनका एफआईआर में नाम नहीं था, अभी कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उनको जो है बदले की भावना से जो है रात के अंधेरे में ड्रामेटाइज करके एजेंसियों को उनके घर फांध के जिस ढंग से गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।